ना बिल्कुल करंट भाग गया, कुछ नहीं बज रहा उसका, ना हॉर्न लाइट वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल करंट नहीं है। ला रहा रॉन्ग साइड, देख रहे हो भाई बंदे का रॉन्ग साइड ला रहा बिल्कुल, ऐसे ऐसे और आ जाते हैं भाई सब। नया मुरादाबाद जो भी आप देख रहे हो, ये देख सकते हो अभी सब बिल्डिंग वगैरह बन रही है यहाँ पर। केटीएम में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनके ना गियर लीवर कहीं निकल जाते हैं। होटल वालों ने दिया भाई थोड़े से फ्रूट्स हमें, देख सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि सर भाई ठीक होंगे। तुम्हारा भाई आ गया एक और नई वीडियो के साथ। आज जो भाई हम जा रहे हैं ना एक तगड़ी राइड पे जा रहे हैं। अभी हमारा है सबका रोजा, तो हम जा रहे हैं अफ्तारी करने मुरादाबाद की साइड। एक ढाबा पड़ता है काफी अच्छा, तो आपको भी दिखाएंगे। तो चलते हैं सीधा बाइक पर। तो गाइस निकल चुके हैं हम अपने भाई की राइड लेकर के। भाई साहब केटीएम ना भाई स्टार्ट ही नहीं हुई, पिछली राइड पे देखो होगा आपने कितने ड्रामे करे थे, उनने गर्म हो जा रही थी। अब ना बिल्कुल करंट भाग गया, कुछ नहीं बज रहा उसका, ना हॉर्न लाइट वगैरह कुछ नहीं, बिल्कुल करंट नहीं है। तो इस वजह से मुझे अपने भाई की लेनी पड़ी FZS। हॉर्न बहुत खतरनाक लगा रखे हैं भाई ने, इसको भी दिखाऊंगा भाई। बहुत प्यारी बना रखी है, मैं काफी प्यारी बना रखी है। और लानी तो मुझे NS थी, पर NS नहीं लाया, वो ज्यादा खराब हो रही है, उसकी क्लच प्लेट वगैरह डलनी है। पता नहीं भाई एंगल भी कैसा आ रहा होगा, सही आए बस उम्मीद करते हैं, यही दिख नहीं पा रहा इसमें। अभी हम कोर्ट के चौराहे से जाएंगे सीधा। सो गाइस अभी हमें गांधी मूर्ति पर और अपने साथ एक ड्यूक, और ड्यूक पे भाई इन्होंने पेंट करा दिया, कैसी लग रही है बिल्कुल टैंक नया नया। एक है भाई अपने साथ यही फुकरे भाई कर की बाइक, और एक है अपाची, एक है RC 125, और एक है भाई क्या कहते हैं अपाची 200। लेट्स गो गाइस, एक ही अपाची आ गई 200, एक वो आ गई RC 125। हाँ आज भाई अपने हम पीछे ही रहने वाले हैं बंदों से, क्योंकि अपनी बाइक तो कम भागती है ये। तो गाइस बाइक में तेल जो है हम आते में डलवाएंगे, वरना हर बार जो रुकते हैं वो हम इस पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। आज नहीं रुकूंगा, आज सीधे निकल जाएंगे। सारे भाइयों ने भी पेट्रोल डला लिया पीछे ही। आज तो भाई समीर भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं Hero 7 से। ओ भाई कहाँ ला रहा रॉन्ग साइड, देख रहे हो भाई बंदे का रॉन्ग साइड ला रहा बिल्कुल, ऐसे ऐसे और आ जाते हैं। आज है भाई टोटल 6 बाइक्स। एक ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, 125 है बस, इसका इंजन प्यारा नहीं है, बाकी बाइक बहुत प्यारी है। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं जोया, और यहाँ से अब हम लेंगे लेफ्ट, इधर से पहले राइट लेंगे फिर सीधा पुल से लेके लेफ्ट। ये आ गया भाई हाईवे, इस पे तो भाई बस सुपर बाइक होनी चाहिए, जब अपनी निंजा थी ना तब आता था भाई इस रोड पे मजा, एक नंबर। फाइनली अपन आ चुके हैं अभी हॉलीडे रेजेंसी के पास, और भाई यहाँ से ना अब सीधे जाना है हमें अपनी लोकेशन की तरफ, और यहाँ से जो अभी आगे एक पुल आएगा उसके नीचे से जाना है क्या कहते हैं मुरादाबाद के लिए। काफी व्लॉग में मैंने बताया भी है कि नीचे से रास्ता जो जाता है वो मुरादाबाद के लिए आता है, सीधे से लखनऊ बरेली नैनीताल ये रूट आ जाता है, नीचे जाए मुरादाबाद सिटी आती है। ये जो पुल आ गया अब हमें जाना है इसके ऊपर। ये भाई सब नया मुरादाबाद जो भी आप देख रहे हो, ये देख सकते हो अभी सब बिल्डिंग वगैरह बन रही है यहाँ पर, और एक ये गेट बन रहा है मुरादाबाद का। क्या हुआ? तो गाइस यहाँ पर हम वेट कर रहे थे इन भाई का, तो देखते हैं अब क्या हुआ और कहाँ रह गए थे। अरे तो गाइस RC में जो है ना ये दिक्कत है, इसके गेयर लीवर निकल जाते हैं। मेरी भी निकला था राइट पास, ये अली RC का निकल गया। इनकी भाई KTM में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इनके ना गेयर लीवर कहीं निकल जाते हैं, बंदा परेशान हो जाता है रोड पे। तो गाइस अभी एक यहाँ से जो ये कट है ना ये भी मुरादाबाद के अंदर ही जाता है।
भाई टोल टैक्स, अपने को नहीं देना भाई टोल, कहीं कहीं पे देना पड़ता बाइक वालों को टोल। भाई देखते हैं भाई अपने साथ के लौंडे आगे भाई सारे। तो गाइस ये आ चुका है करीम हवेली, यही है। तो गाइस यहाँ से भाई डिवाइडर टाप रहे हैं अपने बंदे साथ के, हम भी टाप देते हैं। तो ये ले लिया हमने यू टर्न। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपनी लोकेशन पर जहां पे हमें आना था, करीम हवेली। यहां पे भाई हम काफी बार रुके हैं, एक बार हम गुलरबोज धाम गए थे जब भी यहीं पर रुके थे, देखा होगा आप लोगों ने अगर व्लॉग वहां का। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं अपन करीम हवेली पर, पीछे आप देख सकते हो हमारे ये लिख रहा है आई लव हवेली। तो मिलते हैं अब आगे जाके अंदर जा करके। पर करते हुए फैजान भाई हमारे ऑर्डर, और इन्होंने होटल वालों ने दिया भाई थोड़े से फ्रूट्स हमें, ये देख सकते हो। घर का आए हो तुम, ये बादाम शेक लगता है, गन्ने का जूस लिया, गन्ने का जूस ला के बादाम शेक बता रहे भाई। अपन निकल रहे हैं करीम हवेली से और अभी हम चला रहे हैं ड्यूक। ओ भाई ड्यूक की तो भाई बात ही अलग है। तो गाइस निकल चुके हैं हम ढाबे से, और मेरा माइक का कनेक्टर जो है वो हट गया था, तो अब लगाया मैंने, आवाज आ रही होगी अब आपको, हो सकता है जब भी आई हो थोड़ी बहुत इसके इंटरनल माइक ने रिकॉर्ड किया हो कुछ। और अब अपने हाथ में है ड्यूक 200, टोल टैक्स आ गया भाई, ड्यूक के साउंड। ओ भाई बस फैला रही है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन। क्या फिल्म है भाई, कुछ एक्सीडेंट हो गया क्या? नहीं भाई एक्सीडेंट तो नहीं लग रहा मुझे, ट्रक वगैरह साइट हो रहे हैं, हाँ वही सीन है। भाई वो व्लॉग में अपने ना लाइट के बारे में बता रहा था मैं बार बार, मैं बार बार जाऊं और है दे होती रहनी चाहिए भाई थोड़ी सी हंसी मजाक, जब भी मजा आता। गाइस आ चुका है शिवा ढाबा, एक ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे, चाय पियेंगे, आराम से बैठेंगे थोड़ी देर, और उसके बाद घर निकलेंगे सीधा। अपनी आरसी आ गई और नहीं आई भाई कोई। निकल चुके हैं शिवा ढाबे से, और यहाँ पर हमारे भाई लोग व्हीली वगैरह उठा रहे हैं। गाइस कैसा लगा ये व्लॉग, मेरा कैमरा जो है वो डाउन हो चुका था पहले ही रास्ते में, तो मुझे पता नहीं था, मैंने वैसे व्लॉग का एंड कर दिया था, तो अब करते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।